नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। साथियों, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे NIOS के ट्यूटर मार्क असाइनमेंट 2022 और 23। जी हाँ, इसमें हम 2022 और 23 सेशन के असाइनमेंट के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम अप्रैल में है, मार्च अप्रैल में, और जिन्होंने एडमिशन लिया है स्ट्रीम वन ब्लॉक वन के लिए, जिनका एडमिशन हुआ है, वो विद्यार्थी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अभी जो साइट पे असाइनमेंट है वो 2021 और 22 का है, जो कि अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए था, और यही असाइनमेंट पिछले बार 2022 अप्रैल एग्ज़ाम के लिए जनवरी में जमा हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि गलत असाइनमेंट आप ना बनाएं और बना के रेडी करके अभी ना रखें, क्योंकि अभी जो असाइनमेंट अवेलेबल है NIOS के साइट पे, वो अक्टूबर 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ही है। जिन विद्यार्थियों का 2023 अप्रैल मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम है, उन विद्यार्थियों का असाइनमेंट का क्वेश्चन अलग आएगा और वो अब कुछ ही दिन में आने वाला है। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो दो तीन तरीके हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो पहला ये तरीका है कि आप अपना hdmis.nis.ac.in, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन करने के बाद स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे। स्टूडेंट लॉगिन जैसे ही करेंगे, उसके नीचे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट और तीसरा रिजल्ट है। हमको यहाँ पे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे खुल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए शेड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ TMA फॉर द सेशन 2021-22। जब यहाँ पे 22-23 आने लगे तब समझ लेना कि हमारा क्वेश्चन सही आ गया है, तब हमें बनाना स्टार्ट करना है, अभी नहीं करना है। यहाँ पे आप देखते हैं 2021-22 का सारे क्वेश्चन दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे 2022 और 23 लिखा हुआ आएगा। तब अप्रैल में जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम होगा वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, अभी किसी को नहीं करना है। जिनका एग्ज़ाम अप्रैल में है वो अपना असाइनमेंट जब यहाँ पे 2022-23 का क्वेश्चन आ जाएगा तब आपको स्टार्ट करने हैं, अभी नहीं करना है, क्योंकि ये असाइनमेंट आपके लिए नहीं है। वैसे ही 12th विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी का दिया हुआ है 21-22, ये जल्द ही, मतलब कि कुछ दिन में, 10 दिन 15 दिन या इस महीने के बाद अगले महीने फर्स्ट वीक में अपडेट हो जाएगा और ये 2022 और 23 के लिए रहेगा, जो स्ट्रीम वन और ब्लॉक वन में एडमिशन लिए हैं उन विद्यार्थियों के लिए आएगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रखना है आपको, और आपको पता ही है अब असाइनमेंट कैसे जमा होता है, इसका आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए पेज में, उसके बाद स्कैन कीजिए, पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ बना के अपने डैशबोर्ड में घर बैठे सबमिट कर दीजिए। यानी कि अब आपको स्कूल या रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब घर बैठे मोबाइल से लैपटॉप से आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों को असाइनमेंट में हेल्प चाहिए वो हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट के नाम से, ये वेबसाइट का मैंने डेमो दिखा दिया, आप यहाँ से असाइनमेंट परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको गाइड बुक्स वगैरह चाहिए वो भी आप हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।